नमस्कार, मैं हूं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर हादसों पे हादसे हो रहे हैं और हमारे शहर के नेता हमेशा स्टंटबाजी करते हैं। शहर में क्या हो रहा है इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ जनता को कैसे गुमराह किया जाए इस सोच में रहते हैं। यकीन मानिए, मुमरा के नेताओं को फेसबुक पर लाइव आने में महारत हासिल है, मगर वहीं मुमरा बाईपास पर लगातार हो रहे हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इस पर किसी नेता की नजर नहीं पड़ती। इस बाईपास पर किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना बेटा, किसी के घर का चिराग बुझ गया तो किसी के बच्चों से पिता का साथ छिन गया। मगर क्या फर्क पड़ता है इन नेताओं को, इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। आपको बता दें, जिस तरह से मुमरा बाईपास पर हादसे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये और भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इस बाईपास पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। अंधेरा होने की वजह से मंगलवार रात इस खूनी बाईपास ने एक और घर के चिराग को बुझा दिया। 28 वर्षीय अमित गुलाब पाटिल की बाईपास पर एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हो गई। अमित गुलाब पाटिल डाय घर सील रोड फटके पाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। अमित अपनी न्यू जुपिटर बाइक से मुमरा की तरफ से अपने घर सील रोड फटके पाड़ा की तरफ जा रहा था। रात करीब 10 बजे के दौरान लाल किला ढाबा के पास किसी वाहन ने अमित को ठोकर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही अमित की मौत हो गई। वहीं ठोकर मारने वाला फरार हो गया है। पुलिस ठोकर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की तलाश कर रही है। वहीं मृतक अमित गुलाब पाटिल की नया होने के कारण जुपिटर पर कोई नंबर नहीं था। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस दुर्घटना की जांच पुलिस आगे कर रही है। देश और दुनिया के तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।